आम इंतखाबात के बाद अब ज़िमनी इंतखाबात का मौका। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 37 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। लाहौर से कौमी असम्बली के दो हलकों NA-124 और NA-131 जबकि PP-164 और PP-165 पर मुकाबला। कागजात नामजदगी मिलना शुरू हो गए। 28 अगस्त से वसूल किए जाएंगे। फहरिस्त 31 अगस्त को आवेजा की जाएगी। NA-124 से लीगी रहनुमा सुहेल शौकत भट्ट के नुमाइंदे ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। इलेक्शन में फराइज की अदायगी रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ भी उठा लिया। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करने की तैयारी कर ली। हमजा शहबाज कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाले गए डाके का बदला लेंगे। मुस्लिम लीग नून आज भी मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात है। लीग रहनुमा की मॉडल टाउन में मुख्तलिफ इजलास से आए पार्टी उम्मीदवारों से मुलाकात में गुफ्तगू। पंजाब की 23 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। वज़रा का नए पाकिस्तान के लिए नए जज्बे से काम करने का आज़्म। सूबाई वज़ीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान ने वज़ीर आज़म के विजन पर बाइख्तियार चेक एंड बैलेंस वाला बल्दियाती निज़ाम लाने और सबको साथ लेकर चलने का ऐलान कर दिया। कम से कम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेंगे सूबाई वज़ीर हसनैन दरेशक। डॉक्टर यास्मिन राशिद कहती हैं महकमा सेहत में पहले 100 दिनों में तब्दीली नजर आएगी। अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख्वाब को अमली ताबीर देने के लिए कोई कसर उठा ना रखेंगे। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने मियानी साहब कब्रिस्तान की एराजी पर कब्जा करने वाले अफराद की रिपोर्ट तलब कर ली। मियानी साहब कब्रिस्तान की चार दीवारी मुकम्मल, 1000 सायादार दरख्त लगाए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सफदर विर्क ने रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करवा दी। समाज कल तक मुलतवी। अदालत कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनाने पर पहले ही पाबंदी लगा चुकी है। एक तो महंगाई ने मत मारी, ऊपर से यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन भी मकरूज। शहर के 50 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स वैरान होने लगे। दालें, चीनी, चावल समेत दीगर अशिया तो मिलती नहीं, जो मिलती है वो बाजार से भी महंगी। आवाम ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया। शहर में लोड शेडिंग ना रुक सकी। ग्रीन कॉलोनी में रात 11 बजे से बिजली बंद, शहरी बिलबिला उठे। लेस्को के खिलाफ एहतजाज। कैंट कचहरी में सुबह 7 बजे से बिजली बंद। अदालती अमले को मुश्किलात का सामना। पाक भारत आबे तनाज़ा मुज़ाकरात के लिए भारतीय वफ़द की आज वाहगा बॉर्डर के रास्ते लाहौर आमद। दोनों मुल्कों के वफूद सिंतास मुहिदे के तहत पानी के मसाइल पर बात करेंगे। अंदरून शहर में रिहायशी इलाके अलग, कमर्शियल अलग। वॉल सिटी के प्लान को LDA के मास्टर प्लान में शामिल करने का फैसला। प्लान की मंजूरी के लिए वॉल सिटी का LDA को मरासला। पसंद की शादी करने वाले जोड़े की जुदाई खत्म। लाहौर हाई कोर्ट ने लड़की के बयान पर उसे शोहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। लड़की के घर वालों ने मोहम्मद अली पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रखा था। तैयारों की कमी और दीगर तकनीकी वजूहात, लाहौर एयरपोर्ट पर 18 परवाजें ताखिर का शिकार। 7 उड़ान ही ना भर सकी, मुसाफिर परेशान। लाहौर कलंदर राइजिंग स्टार टैलेंट हंट प्रोग्राम कजाफी स्टेडियम में मेला सच गया। ट्रायल्स के लिए बासलाहियत नौजवानों की धड़ाधड़ आमद। और शहर का मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा। 2 रोज तक बारिश का भी कोई इम्कान नहीं।